नाउ आज हम करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड थियोरम्स। सबसे पहले है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। लेट आर बी द रिंग इफ देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इंटू आर इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। देन आर इज सेट टू बी ए रिंग ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक एंड वी राइट इट एज कैरेक्टरिस्टिक आर इज इक्वल टू m। एंड इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, देन आर इज सेट टू बी ए रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो। फिर जो रिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? जीरो, अगर हमारे पास ऐसा पॉजिटिव इंटीजर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम जेड सिक्स की बात करें तो जेड सिक्स में हमें पता है कि एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 5 तक एलिमेंट होते हैं, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो क्लियरली हम जीरो से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो 1 से देखेंगे। तो क्लियरली यहां पे 6 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो आएगा फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू जेड सिक्स। आप जेड सिक्स के किसी भी एलिमेंट को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो इन जेड सिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड सिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी? 6। सिमिलरली अगर जेड एट की बात करें तो जेड एट में अगर 8 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो कर देंगे फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू जेड एट तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एट 8 हो जाएगी। इन जनरल की बात करें तो जेड एन की बात करें 0, 1, 2, 3 अप टू n-1, तो अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जेड एन के किसी भी नंबर को तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो इट मीन जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन है दैट इज इक्वल टू n। लेकिन अगर कोई ऐसा फाइनाइट नंबर कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें नहीं मिलता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन r सो दैट n इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, देन फिर उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर जेड की बात करें तो जेड में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सो दैट n इंटू आर हमारे पास जीरो आ जाए। तो इस केस में अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड क्या होगी? जीरो। सिमिलरली अगर क्यू की बात करें, क्यू आर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या आएगी हमारे पास? जीरो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। या आपके पास ये भी आ सकता है कि अगर कोई फील्ड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या प्राइम नंबर। अब प्रूफ ऑलमोस्ट सेम सा है, क्योंकि अगर फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन तो है ही है फिर। तो लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, नाउ इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो देन नथिंग टू प्रूव। फिर तो यहां पे प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था, या तो जीरो है या फिर प्राइम नंबर है। अगर जीरो है तो ठीक है, अब अगर अदरवाइज लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू एन। अब हमने प्रूव क्या करना है कि अगर जीरो नहीं है तो फिर प्राइम नंबर है, मीन्स वी आर टू प्रूव दैट। यहां पे हमने प्रूव क्या करना है? एन इज ए प्राइम नंबर।
इफ पॉसिबल एंड इज नॉट प्राइम मीन्स हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर सिक्स की बात करें तो एम वन और एम टू दैट आर ग्रेटर देन वन बट लेस देन एन। नाउ अब क्योंकि करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू एन है तो इट मीन्स एन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो होगा और एन हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि ये डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन से दैट एन इज द लीस्ट, इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है, सो दैट एन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली एन इंटू आर स्क्वायर की अगर बात करें दैट इज एन आर इंटू आर, जीरो इंटू आर वो भी जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब एन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम वन इंटू एम टू इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सो दिस कैन बी रिटन एज एम वन इंटू आर, एम टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो हमें पता है कि अगर a इंटू बी जीरो होगा और इंटीग्रल डोमेन है तो या तो फिर a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा अगर इंटीग्रल डोमेन है। सो इट मीन्स या तो m1 वन इंटू आर जीरो होगा या फिर m2 टू इंटू आर जीरो होगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जैसा कि डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक की है कि n तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पे m1 तो n से छोटा है, विच इज नॉट पॉसिबल नॉट ट्रू एज करेक्टरिस्टिक ऑफ आर हमारे पास क्या है n। इट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस n क्या आ जाएगा प्राइम नंबर। तो अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, या तो जीरो और प्राइम नंबर सेम अगर फील्ड है तो भी हमने यही करना है। फिर हम एक और लाइन यहां पे इंक्लूड कर देंगे, लेट आर बी एन फील्ड, बिकॉज फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन सो देयरफॉर आर इज इंटीग्रल डोमेन, उसके बाद सेम एज इट इज हमने प्रूव कर देना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड और ए फाइनाइट रिंग आर डिवाइड द ऑर्डर ऑफ रिंग। जो करेक्टरिस्टिक है किसी रिंग की वो डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ रिंग को। नाउ लेट आर बी ए फाइनाइट रिंग एंड, और यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि आर की करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास एन। तो बाय डेफिनेशन एन इंटू ए और एन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। एंड एन क्योंकि बाय डेफिनेशन एन करेक्टरिस्टिक है तो एन इज ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर लीस्ट है एंड एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा एन। जैसा कि हमें पता है कि अगर तो जी अंडर मल्टीप्लीकेशन हो ग्रुप तो हम बोलते हैं कि एन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो ए टू द पावर एन आइडेंटिटी आएगा। अगर जी इज ए ग्रुप अंडर एडिशन है तो एन इंटू ए हमारे पास क्या आएगा जीरो। अगर एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सो दैट एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हमारे पास सेम है, एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए एन आएगा। आल्सो क्योंकि ए आर का एलिमेंट है और आर हमारे पास अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है, हमें पता है कि कोई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, और आर इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ आर को, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ ए की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एन है तो एन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ आर को। इट मीन्स जो करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग डिवाइड करेगी किसको, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट रिंग को। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडमपोटेंट एलिमेंट। आइडमपोटेंट एलिमेंट एन एलिमेंट
of a ring R, element of a ring R is said to be an idempotent if A square is equal to A. अगर उस एलिमेंट का स्केयर करें और वापस हमारे पास सेम वही एलिमेंट आ जाए तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे idempotent एलिमेंट. एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे M थी R की बात करें, सेट ऑफ ऑल 3x3 के जितने भी स्केयर मैट्रिसेस हैं, हमें पता है कि ये रिंग फॉर्म करता है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी. तो यहां पे अगर इसका एलिमेंट कंसिडर करें 100 010 00, अगर इसका स्केयर करोगे आइडेंटिटी का स्केयर तो आइडेंटिटी आएगा ही आएगा और जीरो का स्केयर जीरो आएगा ही आएगा, ये तो आइडेंटिपोटेंट है ही है. लेकिन अगर और एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पे अगर स्केयर करोगे तो हमारे पास सेम एज इट इज ए आ जाएगा. ठीक है, अगर किसी एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, बी 2 - 2 - 4 -1 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3, यहां पे अगर आप बी का स्केयर करोगे तो भी हमें बी ही मिलेगा. तो इट मीन्स ए एंड बी आर दी आइडमपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एम थ्री आर. नाउ जैसे यहां पे हमने किया कि आइडेंटिटी एंड जीरो तो आइडमपोर्टेंट एलिमेंट हैं और इसके अलावा भी और एलिमेंट हैं जो आइडमपोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन की बात करें तो इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही आइडमपोर्टेंट एलिमेंट होंगे, एक तो जीरो एक वन. जैसा कि अगर लास्ट हमने M3 की बात की थी तो ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी. अब नॉन कम्यूटेटिव है तो इंटीग्रल डोमेन तो हो ही नहीं सकता. दूसरी बात, इसमें प्रॉपर जीरो डिवाइजर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें सिर्फ दो ही आइडमपोर्टेंट एलिमेंट होंगे, इफ एक तो जीरो और दूसरा वन. नाउ लेट A belongs to R. अगर R हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेट कर लेंगे, लेट R be an इंटीग्रल डोमेन एंड A belongs to R be an आइडमपोर्टेंट एलिमेंट. आइडमपोर्टेंट एलिमेंट. नाउ अगर आइडमपोर्टेंट है तो इट मीन्स क्या होगा, फिर A square is equal to A होगा. नाउ ए स्केयर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. नाउ टेकिंग ए कॉमन, ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. अब इंटीग्रल डोमेन है और दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा. इट मीन्स या तो ए जीरो या फिर ए माइनस वन जीरो होगा. इट मीन्स या तो ए की वैल्यू जीरो होगी या ए की वैल्यू क्या होगी, वन. सो अगर इंटीग्रल डोमेन है सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे जो आइडमपोर्टेंट होंगे. Now next definition is nilpotent element. An element A of R is said to be nilpotent element if there exists a natural number so that x to the power n is equal to 0. अगर x to the power n करने पे हमें 0 मिल रहा है तो x को हम बोलेंगे nilpotent element. और n जो होगा अगर smallest है then n is called the degree of the nilpotency of element A. जैसे कि अगर M3 की बात करें तो if we will consider A 001 000 and 001, तो अगर A square करेंगे तो हमें A square करेंगे into A, we will get a zero matrix, so A square is equal to 0. सो ए हमारे पास nilpotent एलिमेंट है और टू क्या है इसकी डिग्री ऑफ nilpotency. एक और एग्जाम्पल की बात करें तो बी अगर 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 है, बी स्केयर जीरो नहीं होगा और बी का लेकिन अगर क्यूब करें तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा. तो इट मीन्स बी जो है वो nilpotent एलिमेंट है और डिग्री ऑफ nilpotency बी की कितनी है, 3. सिमिलरली अगर Z8 की बात करें तो Z8 में
टू की पावर वन जीरो नहीं है, टू स्क्वायर वो भी जीरो नहीं है, फोर आ जाएगा, लेकिन टू का अगर क्यू कर दें वी विल गेट जीरो। सो तो टू इज निलपोटेंट एलिमेंट इन जेड एट एंड डिग्री ऑफ द निलपोटेंसी टू की क्या आ जाएगी, थ्री। नेक्स्ट थ्योरम इज सम ऑफ टू निलपोटेंट एलिमेंट्स इन ए कम्यूटेटिव रिंग इज ऑल्सो ए निलपोटेंट। अगर कम्यूटेटिव रिंग है और दो निलपोटेंट्स एलिमेंट्स हैं तो उनका सम भी निलपोटेंट एलिमेंट होगा। नाउ लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी निलपोटेंट एलिमेंट्स। अब निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं तो ए टू दी पावर एम जीरो होगा फॉर सम एम नेचुरल नंबर एंड बी टू दी पावर एन भी जीरो होगा फॉर सम एम कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने कंसीडर करना है ए प्लस बी टू दी पावर एम प्लस एन, मीन्स अगर ए क्यूब जीरो है और बी क्यूब बी टू दी पावर फोर जीरो है तो आपने कंसीडर करना है ए इंटू बी की पावर सेवन, फो थ्री प्लस फोर सेवन, ठीक है। इसको अगर छोटा कर दें, अगर स्केयर है तो आपने यहां पे फाइव कंसीडर करना है। तो जैसा कि हमें पता है ए टू दी पावर फाइव ये आ जाएगा फाइव ए टू दी पावर फोर बी प्लस टेन ए क्यूब बी स्क्वेयर प्लस टेन ए स्क्वेयर बी क्यूब प्लस फाइव ए इंटू बी टू दी पावर फोर प्लस बी टू दी पावर फाइव। अब ए क्यूब जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। अब ये जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अब लेकिन अगर बी स्क्वेयर जीरो है तो बी क्यूब भी जीरो होगा, यहां पे भी जीरो आ जाएगा, तो सारे का सारा क्या बन जाएगा हमारे पास जीरो। तो ए प्लस बी टू दी पावर फाइव भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो सेम काम हमने यहां पे करना है। नाउ बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे एम प्लस एन सी जीरो ए टू दी पावर एम प्लस एन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन सी वन ए टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू बी। नेक्स्ट एम प्लस एन सी टू ए टू दी पावर एम प्लस एन माइनस टू इंटू बी स्क्वेयर एंड सो ऑन एम प्लस एन सी एम ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एम आ जाएगा एंड सो ऑन एम प्लस एन सी एन ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बी एम प्लस एन सी एम प्लस एन बी टू दी पावर एम प्लस एन। नाउ क्योंकि ए टू दी पावर एम जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी कंसिडर करके दिखाया। अब ये भी जीरो हो जाएगा, बी टू दी पावर एन है तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि बी टू दी पावर एन जीरो है, तो सारा का सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स आप क्या करो, ए टू दी पावर एम की पावर अलग से कर लो और बाकी आप बी टू दी पावर एन की पावर अलग से कर लो। तो ये जीरो है, जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। सो ए प्लस बी इज ए निलपोटेंट एलिमेंट। सो हेंस ए प्लस बी इज ए निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ आर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट रिंग आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कम्यूटेटिव रिंग है तो इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है आर अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग तो अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वी विल गेट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। नाउ कंसिडर ए प्लस बी होल स्क्वेयर। नाउ दिस इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर
प्लस बी ए। अब क्योंकि बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो यहां पे हम बी ए को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ए बी के साथ। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ कन्वर्स पार्ट की अगर बात करें, कन्वर्सली लेट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड हमें प्रूव क्या करना है, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। नाउ अब ए प्लस बी होल स्क्वायर की बात करें, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इंटू बी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेंगे ए बी प्लस ए बी। नाउ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां पे, फिर बी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और एक ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया बी ए इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हेंस हेंस आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। और सिमिलरली इसी से रिलेटेड कि अगर कम्यूटेटिव रिंग है, अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आल्सो एक और रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं कि अगर आर कम्यूटेटिव है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर कम्यूटेटिव है, ठीक है, लेकिन अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेंगे। नाउ एक और थ्योरम, लेट अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज टू, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आल्सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी किसके इक्वल आ गया, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ कम्यूटेटिव रिंग है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर इज टू है तो टू इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नाउ जैसा कि हमने लास्ट थ्योरम में किया है, आपने यहां पे प्रूव करना है, मैं यहां पे डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रहा हूं ना, बिकॉज आर इज कम्यूटेटिव, लेकिन आपने यहां पे प्रूव करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। लेकिन आपने यहां पे ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। अब बिकॉज ए और बी एलिमेंट है आर के, और आर क्योंकि रिंग है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ये हमारे पास क्या है, एक सेमी ग्रुप। तो अगर सेमी ग्रुप है तो ए इंटू बी बिलोंग करेगा आर को। अगर आर का एलिमेंट है तो टू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो जीरो आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर हमारे पास टू गिवन है, तो टू इंटू ए बी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो, सो देयर फोर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली हमने ये भी प्रूव किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सेम टू ए बी क्योंकि जीरो है तो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो देयर फोर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।